गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट्स इन अवर लास्ट क्लास वी कम्प्लीडेड फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर सेवन टूडे वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ ओके द अर्थ हैज थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो बच्चों अर्थ है उसके पास तीन टाइप्स के बेसिक टाइप्स के क्लाइमेट्स हैं जैसा कि ट्रॉपिकल है एंड टेम्परेचर एंड पोलर ओके में क्लाइमेट के बारे में भी डिस्कस कराता क्लाइमेट क्या होता है ओके okay? आज के हम अपने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमने जाना कि जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स है वो तीन टाइप्स के क्लाइमेट्स है पहला है ट्रॉपिकल

उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं आ पाती है एज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन जैसे कि हम सभी जानते हैं जो अर्थ है वो क्या करता है चक्कर लगाता है किसके सन के अराउंड ओके ओनली वन हेमस्पेयर क्लोजर टू द सन एट द फिगर ओके सो वैन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द सन जब हमारा नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है इट इज वार्मर देन द साउथ पोल और वो साउथ पोल के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म होता है ओके okay? अंडरस्टूड जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं एज़ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली द हेमिस्फीयर इज द क्लोजर टू द सन एट द टाइम फिगर 7.4 सो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टूवर्ड द सन इट इज वार्मर देन द साउथ पोल एंड वाइस वर्सा ओके तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम जान सकते हैं कैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है ज़्यादा गर्म नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल थोड़ा कम गर्म होता है अगला आता है टिल्ट द अर्थ एग्जिस्ट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट ऑर्बिट इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री दस द कोजिज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्पेयर टू रिसीव द मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइन इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्पेयर है उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइन सनलाइट्स जो है सन रेज जो है वो आती है दस इट इज गेट मोर आर्स ऑफ डे इन जून देन इन दिसंबर ओके वैन इट्स रिसीव लेसर डायरेक्ट सन लाइट आर्स ऑफ डे द कोज डिफरेंट सीजन इन दर ओके जैसा कि आप इंडिया के अंदर देख पाते हैं कि इंडिया में अलग अलग मंथ्स में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं तो ये यहाँ पर इनके जो रेवोलेशन है ओके okay? उनके जो हेमस्पेयर है उनकी वजह से ऐसा हो पाता है ओके जून के महीने में आ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ओके तो ये उनके रेवोलेशन की वजह से हो पाता है नेक्स्ट जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं डायग्राम में डायग्राम में जो जैसा कि फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट मार्च है स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिसपेयर ऑल्टर मिन साउथर्नस्फेर हैमिस्पेयर इनके अंदर कैसा कैसा

नॉर्दर्न हेमिस्पियर में विंटर होती है और साउदर्न हेमिस्पीयर में यहाँ पर होता है समर ओके okay? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं नाउ थर्ड टॉपिक इज सन राइज एंड सनसेट सन राइज का मतलब होता है बच्चों सूरज उगना और सनसेट का मतलब होता है सूरज का डूबना ओके एज द अर्थ रिवॉल्व ऑन इट एक्सिस जो अर्थ है वो क्या करता है वो अपने एक्सिस्ट एक्सिस पर क्या करता है बच्चों घूमता रहता है ओके वंस ए डे इट गिव एन अपेरेंस ऑफ सनराइज और सनसेट और एक ही दिन में हम दोनों चीजें देख पाते हैं सनराइज देख पाते हैं और सनसेट देख पाते हैं ओके एज लर्न अर्लियर द एक्सिस ऑफ अर्थ इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस जैसा कि अभी हमने पढ़ा था जो एक्सिस है वो कितना है टिल्ट है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पर दिस इज ओनली नॉट ओनली अ मेजर कॉज ऑफ चेंजिंग सीजन बट ऑल्सो ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट जैसा कि सन राइज और सनसेट का टाइम भी हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों डेली बदलता रहता है इफ़ द अर्थ वॉज नॉट टिल्ड जब अर्थ क्या होता है बच्चों टिल्ड नहीं होता तो इट वुड रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट और उसके ऊपर एक ही मतलब एक ही अमाउंट में जो सनलाइट है वो आती नाउ ईच डे ऑफ द एवरी ईयर ओके और सनराइज और सनसेट भी बिल्कुल वैसा ही होता बट वो टिल्ट होने की वजह से हमारे पास हमारे यहाँ सनराइज और सनसेट जो है उसकी भी टाइमिंग चेंज होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो सन sun है सन से डायरेक्टली जो रेज है वो अर्थ के ऊपर आता है ओके okay? और जो अर्थ क्या करता है बच्चों ये मूव करता है तो ये इसका एक पार्ट जो है जैसे कि दिन है और एक पार्ट में क्या हो जाता है इधर ये नाइट हो जाता है ओके okay? एंड इसके रेवोल्यूशन की वजह से ही डे और नाइट हो पाते हैं नाउ फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट्स को दे आर द रीजन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन प्लेस आर बिकेम द फैक्टर अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एट अ प्लेस लुक एट इन टू दीज फैक्टर्स आर डिस्टेंस फ्राम द इक्वेटर ओके पहला टॉपिक है डिस्टेंस फ्राम द इक्वेटर डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट अर्थ का जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव करता है सनलाइट से ओके सन से तो सो अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है द अमाउंट ऑफ रिजिव डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ लेटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर जो इक्वेटर से लेटीट्यूड का डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है उस तक पहुँचेगी प्लेस लोकेटेड हाई लेटीट्यूड जो प्लेस है वो हाई लेटीट्यूड पे लोकेटेड है तो उस पर लेस सनलाइट आएगी और जो लेस uh, लेटिट्यूड पर क्या है बच्चों क्लोजर टू इक्वेटर है उसके अंदर क्या होगा जो लो एटीट्यूड पर है उसके अंदर सनलाइट ज़्यादा आएगी ओके okay? तो ये हमने पढ़ा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर नेक्स्ट वन इज हाई एवव द सी लेवल ओके द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइट ऑफ द प्लेस एवव द सी लेवल विच इज़ नोन एज एल्टीट्यूड जिसको हम एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं वी सी डिफरेंट इन द क्लाइमेट मेनली इन द माउंटेंस एंड प्लेन्स माउंटेन्स आर क्लोजर एज द एयर इज़ थिन एंड इज़ नॉट एबल टू एब्जर्व द रिटेन मच हीट ओके माउंटेन वाले एरिए में जो हम हिली एरिए में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा हमें हीट ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर जो एयर होता है वो क्या होता है बच्चों वहाँ पर कम होता है एंड प्लेन वर वार्मर दन द माउंटेन्स जो प्लेन होते हैं प्लेन इट मीन्स जो हमारे जहाँ पर जमीन है वो क्या होती है वो ज़्यादा गर्म होती है किसके मुकाबले बच्चों माउंटेंस के मुकाबले क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है कि जो यहाँ पर एयर जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पर एयर कम है इसकी वजह से भी होता है ओके एक्टिविटी है बच्चों इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी हम जान सकते हैं जैसे कि जयपुर इज़ अमे डेजर्ट रीजन एंड द सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान लेटीट्यूड आता है इसका ट्वेंटी सिक्स डिग्री ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन टू डिग्री इन द नॉर्द टू द इसका जो लॉन्गटीट्यूड है सेवेंटी फाइव पॉइंट एट टू डिग्री है इट हैज़ एवरेज बट ये जो लेटिट्यूड लॉन्गटीट्यूड है इसके बारे में अपने स्टडी में बहुत एस एस टी में बहुत अच्छे से स्टडी जोग्राफी के अंदर इट एन एवरेज एवेलन ऑफ फोर हंड्रेड थर्टी वन मीटर ओके ये पूरा एक एक्टिविटी है इस एक्टिविटी को आप कर लीजिएगा इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एडेप्टन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स ओके हम एडेप्टन के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग क्लाइमेट के अंदर जो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनकी जो एडेप्टशन होती है वो कैसी होती है उन सभी के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो